क्या हो अगर इंडियन सुपर हीरोज से एवेंजर्स भिड़ जाए, तो क्या इंडियन सुपर हीरोज एवेंजर्स को धूल चटा देंगे या खुद धूल चाट जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए हम इन दोनों बीच में कंपैरिजन करते हैं। इंडियन सुपर हीरोज की तरफ से हम लिए हैं शक्तिमान को, क्रिश, रावण, रोबोट, अधिक और शक्ति, और एवेंजर्स से लिया गया है थॉर, हॉकाई, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क और ब्लैक विडो। वीडियो कुछ इस प्रकार होगी, शक्तिमान वर्सेस थॉर, क्रिश वर्सेस हॉकाई, रावण वर्सेस आयरन मैन, रोबोट वर्सेस कैप्टन अमेरिका, अधिक वर्सेस हल्क और शक्ति वर्सेस ब्लैक विडो। अंत तक बने रहो देखने के लिए कि कौन किससे जीतने वाला है और कौन किससे हारेगा। तो शुरुआत करते हैं कैप्टन अमेरिका वर्सेस रोबोट की। कैप्टन अमेरिका को उसकी पावर्स एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से मिली है, यहाँ की रोबोट को भी एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वशीकरण के द्वारा बनाया गया है। दोनों में काफी सारे फर्क है, जैसे एक ह्यूमन को सुपर पावर दी गई थी तब वो कैप्टन अमेरिका बना, और वहीं पे एक रोबोट को सुपर इंटेलिजेंट बनाया गया तब वो रोबोट बना। इन दोनों में फाइट होती है तो कैप्टन अमेरिका हार सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे हम कैप्टन अमेरिका के साथ म्योनियर को ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैप्टन अमेरिका अपने वाइब्रेनियम शील्ड के साथ लड़ रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली कैप्टन अमेरिका हार सकते हैं, पर वो रोबोट को बहुत गंदा तरीका से हरा भी सकते हैं अगर रोबोट ने थोड़ी सी भी तरस खाई कैप्टन अमेरिका के तरफ, क्योंकि अगर कैप्टन अमेरिका को एक भी चांस मिला तो वो रोबोट को पूरी तरह से चीड़ फाड़ सकते हैं। बट यहाँ विनर रोबोट ही होगा। अब हमारी वर्सेस होगी आयरन मैन वर्सेस रावण। यहाँ पे आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क एक सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग है, वहीं पे रावण एक वीडियो गेम से निकला हुआ कैरेक्टर है। दोनों की मोस्टली पावर टेक और इंटेलिजेंस के ऊपर है। अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो आयरन मैन से सुपर दिमाग वाला कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स या बहुत सारी यूनिवर्सेस में है ही नहीं। यहाँ पे रावण के पास ज्यादा पावर्स नहीं है, वहीं पे आयरन मैन अपने लिए काफी सारे सूट्स बना सकता है कुछ टाइम में, और अगर उसे थोड़ी सी ज्यादा टाइम मिलगी तो वो ऐसी प्लानिंग बना सकता है जो बिना सूट के भी रावण को हरा सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली विलन आयरन मैन होगा यानी टोनी स्टार्क। अब हम बात कर लेते हैं शक्ति वर्सेस ब्लैक विडो की, जहाँ पे ब्लैक विडो ह्यूमन है जिसने बहुत सारी एबिलिटी, मार्शल आर्ट्स और काफी सारी ट्रेनिंग ली है एक किलर मशीन बनने की। वहीं पर शक्ति जिसे हमें राज कॉमिक्स में दिखाया गया वो हमें सिंबलाइज करती है माँ शक्ति से, और इसके नाम का मतलब ही पावर है, यानी कि इसके अंदर काफी सारी पावर्स है, एडिशनल सुपर ह्यूमन पावर्स। तो यह क्लियरली शक्ति चुटकियों में ब्लैक विडो को खत्म कर सकती है। राज कॉमिक्स में कई बार शक्ति ने अपने ऊपर कई सारे बॉम्ब्स को झेला है और उसे खरोंच तक नहीं आई है, यहाँ की ब्लैक विडो एक बॉम्ब तक नहीं झेल सकती, उसका शरीर वहीं फट जाए क्योंकि वो ह्यूमन है। पे विनर होगी शक्ति। अगला है हल्क वर्सेस अधिक। दोनों ही बहुत ज्यादा मॉन्स्टर पावर्स रखते हैं, हल्क बिलोंग करता है मार्वल से और अधिक बिलोंग करता है राज कॉमिक्स से। दोनों की पावरफुल बैटल होगी, दोनों की बैटल देखने में मजा भी आएगा, नेक टू नेक फाइट भी होगी, पर यहाँ पर जीतेगा हमेशा हल्क ही, क्योंकि हल्क हमेशा टाइम के साथ गुस्सा होते जाता है और उतना ही पावर होते जाता है। हल्क की मेन पावर ही गुस्सा होना है, यहाँ की अधिक के पास सिर्फ इतनी पावर है कि वो बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स पावर होल्ड करता है, पर हल्क से जीत नहीं सकता वो। यहाँ पे विनर होगा हल्क। अब अगली बैटल होगी क्रिश वर्सेस हॉकाई की। ये बैटल बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटी होगी, जहाँ पे हॉकाई अपने एरोज और अपने स्किल्स पे सिर्फ डिपेंडेंट होता है, वहीं पे क्रिश के पास बहुत सारी एडिशनल सुपर ह्यूमन पावर्स है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, साथ ही साथ वो फ्लाई कर सकता है, और क्रिश टेक के बाद तो उसके पास कई सारी एडिशनल पावर्स भी आ चुकी है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी हॉकाई को हराना, वो मिनटों या सेकेंड्स में हरा सकता है हॉकाई को। अभी तक टोटल 5 बैटल्स हो चुके हैं, जिसमें से 3 हमारे इंडियन सुपर हीरोज ने जीती है और 2 हमारे एवेंजर्स ने। तो ये फाइनल बैटल होने वाली है शक्तिमान वर्सेस थॉर में, जिससे हमें पता चलेगा कि या तो इंडियन सुपर हीरो जीत जाएंगे या फिर ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। शक्तिमान जिसके पास 5 एलिमेंट्स की पावर है प्लस 7 चक्रास की उसका फुल कंट्रोल है, वहीं पे थॉर एक गॉड लाइक बीइंग जिसके पास गॉड्स वाली पावर्स है प्लस वो ह्यूमंस को इजीली हरा सकता है, पर यहाँ पर शक्तिमान एक ह्यूमन नहीं है बल्कि वो ह्यूमन फॉर्म से बहुत ही ज्यादा एडवांस और पावरफुल है। यहाँ पे थॉर शक्तिमान को ओवरपावर तो कर देगा, पर शक्तिमान के पास एक पावर है कि वो इमॉर्टल भी हो सकता है, वहीं पे थॉर अभी इमॉर्टल नहीं है, वो मॉर्टल ही है, क्योंकि शक्तिमान का नेचर पे फुल कंट्रोल है, तो थॉर जहां भी लड़ेगा वहां पे नेचर प्रेजेंट होगा, तो शक्तिमान के पास वहां पे एक प्लस पॉइंट हमेशा होगा। और शक्तिमान थॉर से लड़ने के लिए अपने जैसे 5 और एलिमेंट्स वाले शक्तिमान को बना सकता है, जिसे थॉर को हराना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा, पर नेक टू नेक फाइट दोनों के बीच होगी, और मेरे हिसाब से शक्तिमान इस फाइट का विनर होगा। तो इंडियन सुपर हीरो 4 बैटल जीत चुके और एवेंजर्स सिर्फ 2, तो यहाँ पे क्लियर कट विनर होगा इंडियन सुपर हीरो एवेंजर्स के ऊपर। अगर तुम्हें कोई कंपैरिजन पसंद नहीं आया तो कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा सुपर हीरो किससे जीत सकता है। बाकी तब तक के लिए सी यू।